नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। ओ बाबा, मेरे दिल को करार आता है, मेरे दिल को करार आता है, करार आता है जब तुझे खांसी, नजला और जुकाम आता है। जनाना कपड़े मौके से जरा बुढ़े बंदे ने सलूका पा के आ गई। इतने अच्छे फैशनेबल कपड़े, पता क्या है आपको, पोंचो कहते हैं इसको, पोंचो। ये अपने मोहल्ले च कहती है मैं सुपरमैन हूं। क्या आदत होती है, पोंचो। जो पोंची मैंने भेजी थी वो पोंची तुमको पोंची है। नाज़रीन, मेरी आज की मेहमान एक फेमस टिकटॉकर हैं जो मीडिया में हमेशा कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं। तशरीफ लाती हैं बहुत ही प्यारी सी हरीम शाह। बिल्कुल ठीक फिजा, आप कैसी हैं? इस बार काफी दिनों के बाद चक्कर लगाया है। बस मैं बड़ी बेताब थी आपको देखने के लिए, आपके शो में आने के लिए, और जैसे ही मुझे टाइम मिला और मुझे कॉल आई तो मैंने कहा नहीं मिस करना। हमारा शो तो सुना हो जाता है बिल्कुल, जैसे बाबा की टिंड सुनी हो जाती है। नहीं बाबा, तू चुपेड़ा खाना चाहे हरीम नु छेड़ के खा ले। हरीम, एक बात तो बताइए, आपकी एक साबका दोस्त होती थी, आपकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी, वो आजकल कहाँ है? मुझे नहीं पता। आप चाहती हैं कि हम आपकी मुलाकात उनसे यहाँ पर करवा दें? जी बिल्कुल। अच्छा, और हम उनको वो सारी बातें भी बताएंगे जो आप उनके खिलाफ हमारे शो पे करती रही? बिल्कुल बता दें, मैं तो यही चाहती हूँ। यही चाहती है। हरीम शाह से चंद ही को रेसलिंग का मौका मिले तो हम बुलाने लगे संदल घटक। आइए जी। हाय संदल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक दो बार हमारे पास हरीम शाह आई है और उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी बात की है, आग लगाई आग। क्या बात की है? उसने जो बात की, तुम्हारे कानों से धुआं निकलना शुरू होएगा, आंखों से खून निकलना शुरू होएगा। वो तो अभी भी निकल रहा है कि आपने बगैर बताए मुझे यहाँ बुलाया। नहीं, नहीं, आग लाइए, सड़ गया थी फिर नवा बनवाया। नहीं नहीं, ये हरीम शाह पिछले शो में कह के गई थी कि संदल ने चाचा के साथ शादी कर ली। बताएं क्या क्या बोला इसने मेरे बारे में? बहन बताना तो नहीं चाहती मगर फिर भी बता रही हूँ। उसने कहा कि संदल को फेम मैंने दिलाया, संदल को स्टार मैंने बनाया, संदल टिकटॉक पे मैंने करे, संदल को लोगों से मैंने मिलवाया, संदल को पता क्या था? अच्छा, उसको कौन अच्छा, जानता था? इन्हें भी क्या कि संदल कभी चिंची जी नहीं बैठी पहली रिजाज में। अच्छा एक मिनट, इन्हें भी क्या संदल तंदूर ते रोटियां लाउंदी मैं उठो लेके। सब सवालों के जवाब ही देगी आज यहां पर, अगर ना दिए तो मैं इस शो पे आगे नहीं आऊंगी। तो इस सब के जवाब अभी दोगी तुम? मुझे बताओ तुमने मुझे कहाँ पे फेमस किया है? यार तुम्हें पता नहीं है फिजा का, फिजा के शो में जो भी गेस्ट आते हैं फिजा उन दोनों को लड़ाती है, आपस में लाई बुझाई करती रहती है। अच्छा तो कोई ना कोई बात ऐसी है तो उसने की है ना, ऐसे तो उसने नहीं बोला। मुझे क्या शौक पड़ा किसी के बारे में कुछ बोलने का? तुम कुछ बोलोगे तो मैं उसके ऊपर मिर्ची डालूंगी ना, तुम्हें बोले बगैर कैसे मिर्ची डालूंगी? तुम जवाब दो, तुमने मुझे फेम दिया है। ओ संदल, फिजा ते जड़े मल्ले लंग गया थे रात में, दो चार तलाका हो गया। आप तो चुप करे ना, आप तो हरीम के हमेशा साइड ही लेते रहेंगे, आप बताओ क्यों? आप नहीं नहीं संदल, मैं तेरे नाल कठे घर जावांगा। हरीम के अब्बा? तो ये संदल के अब्बा, वाह वाह, रिश्तेदारी ऐसे पैदा कर ली। ये हरीम के अब्बा और संदल के अब्बा, तू साढ़े दोवां दी अम्मी। आप बताएं मुझे फेम कैसे मिला? कहती है जानता कौन था संदल को? जानते नहीं थे तो इन्होंने मुझे बुलाया क्यों फिर? इसने ये भी कहा था कि संदल ने तो मेरे पाँव पकड़े, फिर मैंने जाके उसको माफी। अच्छा जी, दुनिया में इसी के पाँव रह गए जो मैं पकड़ूंगी, ये सब कुछ इसी से मुझे मिला है और सब कुछ बस सब कुछ यही है। हाँ। तो फिर मैं चली जाती हूँ शो से। तुम करो फिर ये शो इनके साथ, और फिजा आप भी लगाई बुझाई करो इसके साथ, आप मेरी बुराइयां करती रहो दोनों। मैं जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारी वैसे भी रेला करता हूँ ना। हाँ हाँ, तुम तो हर जगह लड़की चली जाती है, देखने शो की रेटिंग कितनी आई। मैं ईंट लेके खड़ी हुई हूँ बाहर दोनों की गाड़ियों के पास। फिजा अली ने वीडियो बनाई तो फिर उस औरत की तरह तुम्हें भी सारे गालियां देंगे। कौन सी गाड़ी लग जिसने फिजा का बाजू मरोड़ा था? बाजू नहीं मरोड़ा, चपेड़े भी मारी। प्यार और हमदर्दी सारी लोगों की फिजा के ही साथ थी। मैं पत्थर मार दूंगी फिर हमदर्दी होती है या नफरत होती है, जो भी होता है वो देखा जाएगा। तो अभी चलेगी आप गेस्ट आएगी यार, बड़ा आसान तरीके, उसका गाना आप अभी प्ले करें, अभी आ जाएगी। अच्छा बजाओ। हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे कि दोनों आपस में बहुत पक्की है, के खिलाफ बात करो तो दूसरी को फौरन बता देती है वो।
आइए जी तशरीफ रखेंगे। अलीम, अभी मीडिया पे काफ़ी ये बात गर्दिश कर रही है कि आपने कुछ इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि अब्दुल कवी साहब को आपने थप्पड़ मारा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपने पहले उनको ट्रैप किया उसके बाद उनको फिर थप्पड़ मारा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जरा हम चाहे थे हमारे शो पे भी आप मैंने जितना कुछ मीडिया पे बताया उस सब में ही सच्चाई है। मैंने कोई बात अपने से नहीं बोली, कोई बात झूठ नहीं की और कोई बात किसी भी बात को एग्जैजरेट नहीं किया। तो मतलब बिल्कुल उनको मैंने प्लान के तहत बुलाया था और किन वजूहात की वजह से बुलाया था वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मीडिया पे। और मेरे बारे में हर चैनल पे जाके बैठ के बातें करना, जाके कहते हैं कि मेरी मनकूह है, निकाह किया हुआ है और आज कल वो टिकटॉक पे नहीं आई। और फिर किसी के साथ भी सेल्फी लेके तो हरीम शाह ने मुझे कॉन्टेक्ट कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया, मतलब हर जगह पे जाके शो पे जब गए वहाँ पे वो जो ये कहा तो निकाहनामा दिखाया भी क्या? नहीं, ऐसे ही बात की। आप किसी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? झूठ। अच्छा। तो इस तरह की बात। और दूसरी बात जो थी कि मतलब झूठ से इस तरह की बातें करना और मतलब गलत लोगों में बताना कि मैंने 54 निकाह किए हुए। रियली उन्होंने मुझे ये बात और सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड थी, मैं प्रूफ के तौर पर दे भी चुकी हूँ। और इस तरह की गुफ्तगू के बाद मतलब फिर मैं हाइपर हो गई थी, फिर मैंने उनको थप्पड़ मारे। तो आपसे आखिरी क्या बात हुई थी जिस बात पे आप बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और आपको आपको लगा कि ये बात मेरे बर्दाश्त से बाहर है? बिल्कुल, शो पे जब मैंने बुलाया तो इतनी नाजेबा बात की कि मैं नेशनल टेलीविजन पे उसको बैठ के तो मैं नहीं बता सकती, नहीं और लग्फ किस्म की बातें कैसे कर सकते। तो इस तरह के लोग तो यही डिजर्व करते हैं। मुझे शर्म आ रही थी कि उस बंदे को जब मैंने मतलब अपने शो पे बुलाया, सब कुछ किया, मैं फ्लाम मशरूबात पीता हूँ, मैं पार्टीज़ में जाता हूँ, मुझे पार्टीज़ पसंद है, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, और ये मुफ्ती इस तरह की बातें कर, किसी को इस तरह एक्सपोज करना और किसी की सारी चीज़ें प्रूफ के साथ ले के आके मीडिया में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन मैंने बीइंग अ गर्ल बहुत मुश्किल होता है। और मैंने इस बात में ख़ुद को वो नहीं समझा कि मुझे कोई नुकसान पहुँचाएगा या कुछ, मैंने अपनी इंटेंशन दुरुस्त करते हुए उसकी हर हरकत सकनात को रिकॉर्ड करते हुए प्रूफ के साथ मैंने सारी चीज़ें मीडिया को दी। फिर आपने उनको ट्रैप कैसे किया? मैंने जब शो पे बुलाया उनको, सारा कुछ मैंने कंपनी की तरफ से और उनको शो की टाइमिंग वगैरह सब कुछ किया, फिर मैंने उनको एयरपोर्ट से पिक किया, जबकि उन्होंने इस बात पे भी झूठ बोला कि मुझे पिक नहीं किया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, जो मेरी उनके साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, जो उनके उसके बाद मतलब जो भी एक्टिविटी थी, चाहे वो खाने की थी, चाहे वो स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम की रिकॉर्ड करने की थी, चाहे वो मतलब वो थी इवन कि उनके मेकअप रूम में मेकअप तक की मैंने वो किया हर चीज़। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर भी आया, मैं चीज़ों को बर्दाश्त भी इसलिए कर रही थी कि मैं एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लूँ शो, मैंने उसके बाद ऐसी कोई हरकत करनी है, ये ना कि मतलब अभी हाइपर होकर इस बंदे को मैं मार लूँ या कुछ ऐसा करूँ तो फिर मेरा सारा प्लान खत्म मतलब खराब हो जाएगा। और शो के अंदर उन्होंने शो के अंदर भी ऐसी गोलमोल बातें की जो एक इलिटरेट पर्सन कर सकते हैं। फिर ये थप्पड़ तक फिर कैसे सिचुएशन आई? फिर फिर जब हम मतलब वहाँ से शो से वापस इनको मैं जब लेके आई, इनको वेटर भी थे वहाँ के, चाय मैंने इनके लिए मंगवाई, तो हमें कह रहे हैं कि मतलब मैं थी, मेरे साथ मेरी कज़न थी और बहुत गलत हरकत उन्होंने की, जैसे ही चाय और वेटर सामने खड़े वो हम दोनों को उन्होंने जब फिज़िकली हरेस किया तो फिर उस वक्त हमने उनको मारा था। फिर इतना सब कुछ किया, फिर उसके बाद इनको जो है तो वहाँ से। अच्छा जी संदल, आप बताइए कि इतने अरसे से आप दोनों एक साथ नहीं दिख रही थी, आप लोग के बीच में कुछ नाचाकियाँ थी, नाराज़गियाँ थी, तो ये कैसे ठीक हुई? किसने पहले फ़ोन किया, किसने सॉरी की, ये कैसे सिलसिला दोबारा जुड़ा? सॉरी क्या, बस ये मैसेज करती थी, गालियों भरा मैसेज करती थी कि तुमने आज ये किया, तुमने आज ये किया, बहुत ऐसे अल्फाज जो कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकती ये वो मेरे लिए इस्तेमाल करती थी, और मैं बस उसको बोलती थी ओके ओके के एक बार मुझे बात करने दे आप प्लीज, जब बड़े बोल रहे हो तो नहीं बोल, आप कुछ बोलना चाहिए। तो ये ऐसे अल्फाज बता करती थी, आके से ओके बोल देती थी, फिर मैसेज करती थी जान कहाँ हो, फिर एक प्रोजेक्ट की वजह से हम दोनों साथ हो गए, हमें शामिल होना पड़ा, तो अब हम दोनों साथ, अब ये नहीं बोलती जान कहाँ हो, अब उसको पता है कि तुम यहाँ हो, जान यहाँ है, तो वही कोतखाना जरा चाची कर दी है। अच्छा ठीक है, एक प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो उसको पता है कि आप यहाँ हैं, मगर ये बताइए कि वो फिर सुलह कैसे हुई, आमना सामना कैसे हुआ? ये एयरपोर्ट पर आई है मुझे लेने के लिए और गाड़ी में जैसे मैं बैठी मैंने बोला मोबाइल दिखा दो अपने ना,
मोबाइल कहती है ये लो सारे रख लो। मैंने कहा कहीं रिकॉर्डिंग मेरी ना कर लियो, मुझे थप्पड़ ना मारने के लिए, ऐसे मुझे बुलाया हो ना, ऐसा ये ऐसे ही कहा था। फिर भी मैं रात को सोती हूँ इसके साथ, जब भी हुआ तो मुझे डर लगता है कि मेरी वीडियो ना बना ले। दोस्ती है लेकिन मुझे डर होता है कि मेरी कहीं वीडियो ना बना ले ये। ये जो है ना, मैं जब इसको पिक करने गई थी तो मुझे कहती है कि मुझे थप्पड़ मारने, मुझे थप्पड़ मारने। मैंने कहा मुझे मार दिया, बाकी सारे चुप हो, मैं चुप नहीं होंगी, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम्हें गंजा बिठाऊंगी, तीन तलवार के पास मैं गंजा करके तीन तलवार में बैठता रहा ना गंजा। करेंगे तीन तलवार में मैं गंजी बैठी हुई हूँ। लोग सिर्फ ये कहेंगे कि इसकी किसी ब्लेड नाल हजामत नहीं हुई, इन तीन तलवारों के थ्रू इसकी हजामत होगी। और सच में अगर इसने कोई ऐसी कभी हरकत, मैं सुन ले, अगर इसने कभी ऐसी हरकत की तो तीन तलवार ना हुआ तो जहाज चौक है पेशावर में, जहाज चौक में ना हुआ तो इस्लामाबाद, नहीं तो ये लाहौर, कहीं पे भी किसी चौक पर मैं इसको गंजा करूंगी। डी चौक में बिठा, हाँ डी चौक में, इस्लामाबाद में डी चौक पे, और ये लाहौर में फैसलाबाद का गोल चक्कर भी तो है यार, गंजा करूंगी। फैसलाबाद का गोल चक्कर भी है, ट्रेंड भी गोल होती है। कोई बात नहीं फिजा, ये भी एक मेरे लिए बहुत वो होगा कि मैं गंजी होंगी। बाबा मुबारक होवे, अन करीब तेरी जोड़ी मुकम्मल होने लगी है। जो संदल ने हरीम दी टिंड कर दी ना, तो तुसी दोवें मिलके ना इशारियां ते मंगना। लोकी क्लास फैलांदे, बाबा तू कही हरीम शाह मेरी टिंड फैलो। की दोवें जने मंग रहे होवेंगे ते गा रहे होवेंगे, गंजियां दी जोड़ी रहंदी हनारा। कोई बात नहीं, इस मुल्क के नामी गिरामी फेमस लोग गंजे हैं, गंजे लोग खुश नसीब होते हैं। कौन कौन? HSY गंजे, अली अजमत साहब जो पाकिस्तान के एक फेमस सिंगर हैं, और एक माशाल्लाह अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाई, इतनी प्यारी उनकी आवाज, वो भी गंजे। शेख रशीद साहब गंजे, और फिर हरीम शाह साहिबा गंजी। गंज से कोई किस्मत का नहीं, अगर लक का, इतने बड़े बड़े लोग गंजे, इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कोई ओहदा मिलने वाला। मैं तुम्हें गंजा करूंगी, वो खुद गंजे हुए तुम्हें मैं गंजा करूंगी, ये बात शर्म की है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। आप एक प्रोग्राम में होस्टिंग भी कर रही हैं, तो ये तजुर्बा आपका कैसे जा रहा है? तजुर्बा बहुत अमेजिंग। सबसे अच्छी बात और सबसे मुनफरिद बात मेरे लिए ये थी कि हर चीज़ में मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। और जब आप एक टीम वर्क कर रहे होते हो, आपके डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर, आपकी सारी टीम आपके सामने होती है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, उसमें आपको टीम के साथ मिलके काम करना भी आता है, आपके अंदर पंक्चुअलिटी भी आती है, डिटर्मिनेशन भी आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सीखूँगी। लेकिन जो जो तू अपने मेहमानों का हाल कर रही है ना, तेरे शो च आना किसे ने? कोई आए ना आए, आप तो मेरे शो में आएंगे ना जवाब जी। क्यों नहीं आऊंगा अम्मी जी? तुझे शर्म कर अम्मी जी ना कह, एक एक जरूर आऊंगा बेटी जी। जरूर आऊंगा हरीम जी। संदल जब आप दोनों की नाराजगी चल रही थी, एक दूसरे से बोलचाल बंद था, तो दिल नहीं करता था कि आप एक दूसरे से बातचीत तो रखें, एटलीस्ट पूछे तो सही? नहीं नहीं, लड़ाई दे बेच ना, नाइयां दा काम सिख रही सी, उन्हें टेंड जे करनी सी। नहीं ऐसा बातचीत थी हमारी, मैंने आपको बताया कि ये मुझे गालियां रोजाना भेजती थी, या तो ओके लिखती थी या ओके भी नहीं लिखती थी। हाँ। तो और ये कभी कभार वीडियो भेज देती थी, हमारी पुरानी वीडियो मैं भी सेंड करती थी, फिर हम हंसते थे। तो इसका मतलब याद सताती थी। हाँ, कोई गाना साड़ी चाची ने सेंड करो, ओदियां पुरानियां गाना मुक गईयां, उन्हें कोई नवियां गाना सीखनियां। हरीम से सीखे, हरीम सिखाएगी। इसमें आई चपेड़ हिम। अच्छा हरीम, आपसे पूछते हैं जी, जी। मैं आपको कुछ चेहरे दिखाऊंगी, फेमस टिकटॉकर्स हैं, आपने मुझे ये बताना है किसके साथ आप पहली फुर्सत में टिकटॉक बनाएंगी, किसके साथ आप फुर्सत मिले तो टिकटॉक बनाएंगी, और किसके साथ आप फुर्सत मिलने के बावजूद भी टिकटॉक बनाना पसंद नहीं करेंगी। ये दोनों से सवाल है, मगर एक एक करके हम पूछेंगे, क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग हैं। ओके, तो हरीम सबसे पहले आप देखिए स्लाइड। ओके, मेरे ख्याल में इन सबसे ज्यादा बेटर मनाहिल मलिक। मनाहिल मलिक के साथ आप पहली फुर्सत में वीडियो बनाएंगी, और किसके साथ फुर्सत मिले तो वीडियो बनाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
बाकी दोनों नहीं पसंद। मगर गेम तो खेलना पड़ेगा, अगर फुर्सत मिली तो किसके साथ वीडियो बनाएंगी? फुर्सत मिली तो फिर जाके जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा के साथ। और फुर्सत होने के बावजूद भी जिसके साथ आप वीडियो नहीं बनाएंगी, वो नाम क्या है? नाम भूल गई हूँ। फेमस हैं, देखा हुआ है, काफी टिकटॉक वीडियोज भी देखी हैं, काफी सारी एक्टिविटीज मैंने भी देखे, आपके शोज में भी देखे इनको मैंने आपके साथ, मगर आप इनका नाम नहीं जानती। जन्नत मिर्जा के साथ और मुनाहिल मलिक के साथ तो यहाँ पर हरीम वीडियो बनाने के लिए तैयार है। और रही बात अनमोल नूर की, तो वो ये कह रही है कि मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ और मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं जाके अनमोल नूर के साथ अपनी टिकटॉक बनाऊँ और फजूल में वायरल करने की कोशिश करूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म से उसको फेमस नहीं कर सकती, सॉरी फिजा। ये संदल सेम सवाल आपसे भी है, आपने बताना है कि पहली फुर्सत में किसके साथ वीडियो बनाएंगी। आपके ऑप्शन है ये, पहली फुर्सत में हारिस के साथ, टाइम मिले तो सेकेंड जुल्कर्नैन के साथ। अच्छा, और जिसके साथ आप किसी सूरत हाल में नहीं बनाएंगी वीडियो, वो कौन है? अली हैदराबादी। अली हैदराबादी। संदल कह रही है कि मैं आपके साथ तो टाइम होने के बावजूद भी वीडियो बनाना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे पास इतने स्लोमोस का टाइम नहीं है, मेरा कंटेंट होता है सिर्फ बाल उड़ा उड़ा के मैं वीडियो नहीं बनाती और ना कि मैं उचक उचक के चाल भी नहीं चल सकती। तो आपको मुबारक, आप अपनी वीडियो बनाए, मुझे नहीं बनानी आपके साथ। और रही बात नदीम नाने वाला आपकी, आपको तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया कि आपके साथ वीडियो भी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, वो ऑप्शन तो चूज करने की दूर की बात है। अब आखिरी मेरे सवाल का जवाब दे दो, मगर सही सही देना, आखिरी सही वाली शादी कब करोगे? पहले वाली भी सही थी और अब आगे जो होगी वो देखो कब होती है, अल्लाह को जब मंजूर। तो कोई है जिंदगी में, कोई आया है तो कोई भी नहीं आया। प्लीज मेरा नाम ना लेना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मुझ पढ़ रहा कि मेरी हो ये, मेरी हो ये, मेरी हो ये। क्या पढ़ रहे हैं आप? एक काले जादू चो एमए कर रहे हैं। हर गंजा इंसान एक जैसा नहीं होता, बशर्ते कि इंसान होना चाहिए। संदल हाँ। शादी करनी है ना तो बच के रही, हरीम शाह ने तेरी भी वीडियो लीक कर देनी है। हरीम तो तट मेरी वीडियो लीक करेगी जी, मैं हरीम ना शादी ना की थी। अच्छा जी, फिर शादी नहीं करना चाहता है, पूरी ढेरी का सौदा करना चाहता। मेरी शादी जरूर होगी लेकिन आपने लाजमी आने, क्योंकि बेटियां बाप के बगैर कैसे रुखसत हो सकती। अपनी बार अपने बाप को साथ बुला रही और मेरी बारे में ना तुम माँ भी बन गई फिर बाप भी बन गई थी, एंड में कैदो बन के तलाक भी मेरी करवा दी। अरे यही तो तुम्हारी लगाई भजाई मुझे पसंद है। और मुझे फिजा की लगाई बुझाई बड़ी पसंद है। संदल ने तो अपनी शादी का बता दिया, हरीम आप भी बताए ना, आप कब शादी करी है? कोई लड़का काबू में आ गया या नहीं? पाकिस्तानी सारे मत डरते। कोई कौन काबू में आएगा मेरे, मेरा नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्यों? पता नहीं, कोई तो होगा जिसको आपसे प्यार हो जाए, इश्क हो जाए, आपके पीछे दीवानावार दीवाना हो जाए। शायद बुढ़ी हो जाऊंगी फिर ऐसा कोई आए। क्यों? अभी तक आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया, अभी डरते होंगे ना कि अपनी शादी की वीडियो लीक ना कर दे। और बताओ ना, जिसने प्रपोज किया था आपको? एक टीवी एंकर ने इसको प्रपोज किया था लेकिन ये उसको बोलती है शॉपर है। तो क्या वो इनको पसंद नहीं आए थे? इनको वो पसंद नहीं आए थे लेकिन इनको उनका जहाज पसंद आया था। ओ, हम समझ गए कौन एंकर है। हाँ जी। और जब ये मानी नहीं तो उन्होंने बहुत से इस पे इल्जामात लगा दिए। रियली? जी। आप जहाज पसंद करती हैं? ये साडा चाचा जहाज है गाजे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। अब पतले नूं बूटां दे बड़े फायदे जे की बारिश होनी है ना, हिला के सिर ते पा लेंगे। बाबा पहलो डाके मारदा हुंदा सी। अच्छा। एक कुआला दे घर डाका मारन गया, सारा घर इन्हें फोल मारिया, कुछ नहीं लभा, उन्हां दी प्रोग्राम वाली कापी कढ के सारे प्रोग्राम कटिया। बाबा वाकई पहले डाकू हुंदा सी, एक घर डाका मारन गया, उन्हां दीआं सारीआं चीज़ां एक पंड च बन लईआं, हुण पंड ना चुकी जाए, उन्हां नूं उठाए कहिंदा इधर हाथ ते पुआना। चाचा भी खान साहब कट के टीकर गया तो दाई च मूँह कट के कहते सानू दिने कुछ नहीं लभा, तू राती लभना आ गया। मोला जट दे कार भी ना एक बंदा गया डाका मारन, ओनू कुछ नहीं लभ्या, जांदी वारी ना वड्डे वाजे च चिक्कड़ पा के चला। और इन्हें सुबह उठ के ना इंज करके रिहर्सल कर ली, वाजा बजाया तो चिक्कड़ दे प्यो दी मूँह ते। निर्मल दे घर भी एक बंदा डाका मारन आया, इहदे घरों कुछ नहीं लभा, यह सुती सी ते गर्म पानी पा गए। ना चाचे दे घर डाका मारन गया, सारा घर फरोलिया, मैनूं कोई शै ना लभी, मैं वापसी ते 100 रुपया दिता, मैं कहा कुछ कम करिया करो।
बाबा डाका मारन गया कि घर दे विच तो सारे उठ पे फिर कहिंदा तुहानूं मैं सर पराई देना हैगा तुसीं सारे उठ पे हो ਲਿਆਕੂ ਪਾਟੀ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਢ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਘਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਵੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਡਾਕੂ ਵੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਡਾਕੂਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਆ ਉਰੇ ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਫਾ ਖੁਸਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਓ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਤੀ ਓਏ ਉਹ ਵੇਖੋ ਰੀਮਸ਼ਾ ਵੀ ਆਈਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਚੰਡਾ ਖਾ ਲੈ ਰੀਮਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਸੁਣੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤ ਕਰੋ ਤੁਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੈਸੀ ਮਾਰੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਬਾਹਰ ਕਾ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਆ ਭਾਈ ਮੁਖਤਾਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਬਤਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਭ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਾ ਤਾ ਤੂੰਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ इनको हर जगह साथ लेके जाती थी ना कैमरामैन थे मेरे अच्छा ये क्या है ना रीमशा ना मेरा चक्कर है केड़ा चक्कर है ऐ समनाबाद वाला गोल चक्कर है रीमशा जी बताओ इनको मेरे साथ टिकटॉक बनाने के लिए कितने तरले करती रही हो और टिकटॉक बनाना से तेरे तरले नहीं करती रही घर का कूड़ा चुकाने करती रही तेरा तो दूर ही फिटे रीम शाह ने मेरे पीछे ब्लेड मारे ने असलम आपके अंदर से जो गंदा ब्लड है वो निकालना था हिजामा करना था क्यों तुझे खत लिखना सी वो ब्लड दे नाल और सीधा कहो खून नहीं सी निकलया गंदा मोबाइल निकलया सी रीम तुमने मेरा दिल तोड़ा ना मैं कनाडा वापस चला जाऊंगा ते कनाडा वाले किथे जानगे वो ताडे वाले संदल पियाओ इसे शरबत आप भी मेरी मोहब्बत में पागल हो या दिल को समझा लिया तूने नहीं हूं जहां तुसी अन्ने हो जहां तानू के चॉकलेट हीरो दी कदर नहीं है ओए तू चॉकलेट हीरो नहीं चिकन लैट हीरो है असल तेनु रिश्ता तो ना कि तू साडा दुश्मन ही हो गया हरीम शाह को वीडियो बनानी है कहीं जाइए फिर जाइए तुसी एदा मतलब है कि बैठ जाइए हां मोस्ट वेलकम नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें आज कौन कौन सी खबरें निर्मल सुनाइए जरा तुर्की में होने वाली शादी में दुल्हन खुद हवाई फायरिंग करती रही लो ए कड़ा बड़ी गल साडी चाची अपनी शादी ते खुद खुसरियां दे नाल नचदी रही लियाकू भट्ट दी बुड्ढी ने भी अपनी शादी ते फायरिंग कीती मगर हवाई नहीं बरात दे उत्ते कुछ भी नहीं जेड़ा साड़ी चाची ने अपने व्याह ते तमाशे लाए ने चाची ने थोड़ा जिहा शरबत खंघ पी के छाते चढ़ के चाचे दे घर वाल मुंह करके सारे राकट चला ओए लोका ने क्या शादी ते हवाई फायरिंग करी दी तू चाचे दे घर वाल मुंह करके क्यों फायरिंग कर रही है कहंदी सुबह जिन्हें जिन्हें मैनू लैन आना मैं सारे ही मार देने असल तमाशा ते चाची ने उदो लाया सी जदों बरात पहुंच गई चाचा घोड़ी ते बह के आया चाची ने ओदी पूछल नाल पटाके बन दिते बस फिर घोड़ी अगे अगे चाचा पीछे पीछे ते बरात सब तो पीछे घोड़ी ने सारे तंबू खेड़ दिते देगा पुठियां कर दितियां चाचे दा कुल्ला चाची ने पाया चाची दे जेवर चाचे ने पाए चाची ने सब तो ज्यादा जलील वाजियां वाले नु कीता किस तरह ओना दे वाजे आप जांदी रही तो ओना नु खुसरे बना के अगे नचांदी रही
हर बंदा चाची नूं कहे तू व्याह ते इन्नी इन्नी क्यों पा रही है। चाची कहिंदी लोकां दा पहला पहला व्याह मेरा आखरी है। आगे चलिए। अगर मेरे पास पैसे आ गए तो न्यूज चैनल भी बना सकती हूँ, ख्वाजा सरा न्यूज कास्टर का दावा। लो जी, जो ख्वाजा सरा ने न्यूज चैनल बना लिया तो उत्थे खबरां भला किस तरह होणगीआं? भैण ते पढ़ाओ, जरा नेड़े नेड़े आओ, हुण तुसीं पब्लिश बीम कोलों खबरां सुणनगे। खबरां भी उत्थे रिदम ते पढ़ियां जाणगीआं। किवें? अभी 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 खबर आई है, पौड़ियों वाला पुल बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। बशीर खुसरे दे पुत्तर निकल आए हो। तेनू किहड़े डाक्टर ने दस्सा कि बशीर खुसरे दे मुंडे भी होंदे ने? ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अपना एक अलग मुल्क बना लिया है। एक तरफ ताजिकिस्तान, एक तरफ कागिस्तान, और दरमियान में हमारा मुल्क होगा खुशिस्तान। अब आप अशरफ बबली से खबरें सुनेंगे। नहीं, मैं उन्हें कम लाता है। कल मैं छेती करना, फिर फंक्शन ते भी जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो खुशिस्तान। मौसमी खबरें। आज खुशिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी, यालाबारी और जनानों के फिसलने का भी इम्कान है। इसीलिए सीनियर खुसरो से दरखास्त है कि वो उस इलाके में फंक्शन पकड़ने से गुरेज करे। चलो, तानू सारे अनु मुबारक होवे। जे इस ख्वाजा सरा ने चैनल बना लिया ना, तो तुसी सारे आराम नाल उथे भर्ती हो जावोगे। अगर ये खुसरो का चैनल बन गया ना, तो उधर हमारा मेन एंकर तो बाबा ही होगा, और एंकरिंग कुछ इस अंदाज से किया करेगा। हाय, ये कब तक हमें सहना पड़ेगा? हमारे छोटे छोटे खुसरे जब फंक्शनों में वेलों के लिए जाते हैं, तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उनको तशद्दुद का निशाना कब तक बनाया जाएगा? कब तक ये चलेगा बाबूजी, बताओ? मैं हूँ पिंकी उर्फ जवाद हफीज, रेडियो खुशिस्तान। टिंग टिंग। और कोई खबर है? महंगाई के सताए शहरी ने इमरान खान की तारीफ करने पर बेटी की मंगनी के लिए आए मेहमानों को घर से भगा दिया। लो जी, पहले असी भी पीटीआई की बड़ी हमायत की थी। अच्छा। एक दिन लोगों को पता लग गया कि इस इलाके च पीटीआई का सब तो मेन बंदा मैं। फिर पूरे मल ने चौक च बा के मेरी टिंड कर दी। बाबे नूं तो वैसे भी बड़ी मार पई सी, इहदी बच्ची का विआह है ते कहिंदा खाना जिहड़ा पनाहगाह च मिलेगा। पहले तो लोग बड़े फखर से बताते थे कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक है, और अब तो ऐसे बता रहे होते, सुनो मेरा ना पीटीआई से ताल्लुक है, मगर मोहल्ले में ये बात किसी को पता ना लगे। महंगाई की वजह ना लोकी हुकूमत नूं तो कुछ नहीं कह रहे, बस उन्होंने वर्कर्स का जीना हराम कीता है। ऐ साड़ी चाची भी पहले पीटीआई च सी, एक दिन बाजार गई है, मल्ले दे बच्चे एडे बदतमीज सन, ओदे दुपट्टे दे नाल पटाके बन दिते। महल्ले दा हर बंदा आके चाचे नूं कह रहा सी, जल्दी पहुंच जा, किते ऐ ना होवे तेरे जान तो पहले ही पार्ट जावे। पहलो पीटीआई दे बंदे महल्ले च आन चौड़े होके फिरदे सी, ओए असीं पीटीआई दे बंदे आ, बच के रहना नहीं तो अंदर करवा देंगे। जदों दी महंगाई होई है तो हुण पीटीआई दे बंदे महल्ले चों इंज निकलदे ने, इंज उत्ते चादर लै के जिवें झुग्गियां दे विचों कागज़ चुकण वालियां नहीं जांदियां। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੈਨ ਹੂੰ, ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ।